नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम महासागरीय धाराओं के अंतर्गत उनका विश्व वितरण पढ़ेंगे। तो अटलांटिक महासागर की जो जल धाराएं हैं, यानी अलग अलग महासागरों की जल धाराओं को ठंडी और गर्म अलग अलग रूप में बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की जल धाराएं। जैसा कि आपको इस चार्ट में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो सबसे पहले है उत्तर अटलांटिक धारा और उसके अंतर्गत गर्म जल धारा। गर्म जल धारा में सबसे पहले है उत्तरी विषुवतीय जल धारा। इसका विस्तार 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। पश्चिमी अफ्रीका से यह ब्राज़ील की तट तक बहती है। इसकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वह है उत्तर पूर्वी वाणिज्यिक हवाओं का प्रभाव और दूसरा है अधिक वर्षा। दूसरी है उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा में फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा का विस्तार यूकाटन चैनल से कैप हैट्रस तक है और इसकी उत्पत्ति का कारण है उत्तरी विषुवतीय जलधारा और मिसिसिपी और मिसोरी नदी द्वारा मेक्सिको की खाड़ी में जल भरने के कारण इसकी जल का जो सतह है वह ऊपर उठ जाती है। अब इस जलधारा का प्रभाव ये पड़ता है कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका में चीन जलवायु एवं मध्य अमेरिका में मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति में ये सहायक होती है। साथ ही ये गर्मी में वर्षा करती है और गर्म लहर का प्रकोप भी देती है। चौथा है शीत ऋतु में स्थलीय हवाओं के कारण इसका प्रभाव कम भी हो जाता है। तीसरी जो उत्तरी अटलांटिक गर्म जल धारा है उसमें है गल्फ स्ट्रीम की धारा या खाड़ी की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा का जो विस्तार है वह कैप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक है। इसकी उत्पत्ति का कारण जो है वह है फ्लोरिडा की जलधारा और एंटिलिस की जलधारा का मिलना, साथ ही घनत्व की भिन्नता। इसका जो प्रभाव है वह है अमेरिका के पूर्वी तट पर ग्रीष्म ऋतु में गर्म लहर का प्रकोप हो जाता है और शीत ऋतु में स्थलीय हवाओं के कारण इसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। साथ ही ग्रेट बैंक के निकट लैब्राडोर की ठंडी जलधारा मिलने के कारण कोहरा भरा वातावरण का निर्माण हो जाता है। यह जो गर्म जलधारा है वह मत्स्य उद्योग के विकास के लिए भी सहायक होती है। चौथी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसकी उत्पत्ति का स्थान 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 45 डिग्री वेस्ट देशांतर के निकट है। उत्पत्ति के पश्चात पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर इसका प्रवाह हो जाता है और इसकी शाखा बनती है जिसे नॉर्वेनियन की शाखा धारा कहते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि पश्चिमी यूरोप के तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है। पश्चिमी यूरोप में सालों भर वर्षों एवं आनंददायक जलवायु होती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये जो नक्शा बताया गया, इस नक्शे के अंतर्गत भी देखो ठंडी और गर्म जल धारा जो है वह बताई गई है। गर्म जल धारा डार्क एरो से बताई गई है और ठंडी जल धारा लाइट एरो से दिखाई दी जा रही है। फिर उत्तरी अटलांटिक की जो एक और धारा है वह इर्मिंजर की धारा और रेनेल की धारा है। नॉर्वे की तटवर्ती क्षेत्रों में साल भर बर्फ के प्रभाव से यह मुक्त रहता है। साथ ही रूस का मर्मस्क बंदर का सालों भर खुला रहता है, जबकि इसकी तुलना में 1000 किलोमीटर से भी अधिक दक्षिण स्थित लाटविया का रिगा जाड़े में जम जाता है। चौथा इसका प्रभाव है कि उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को हिमशिला खंडों के प्रभाव से मुक्त बनाए रखने में सहायक होता है। अब है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा की ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा में सबसे पहले है लैब्राडोर की जलधारा। इसका विस्तार बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है और उत्पत्ति का कारण यहाँ पर है कि हिमशिला खंडों के पिघलने से स्वच्छ वातावरण और जल की मात्रा होती है और लवणता की भिन्नता हो जाती है। लैब्राडोर की जलधारा का प्रभाव कनाडा के पूर्वी तट पर शीतलहर का प्रकोप हो जाता है और साल भर तापमान में कमी रहती है। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि बड़े बड़े हिम शिला खंडों का न्यूफाउंडलैंड तक आ जाना। तीसरा, गल्फ स्ट्रीम के मिलने के पश्चात कोहरे से भरे वातावरण का निर्माण होना जिससे सागरीय यातायात में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
सेकंड जो उत्तरी अटलांटिक ठंडी जलधारा है वह है ग्रीनलैंड की धारा, और ग्रीनलैंड की धारा का विस्तार ग्रीनलैंड के पूर्व से लेकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक होता है। इसकी उत्पत्ति का कारण भी हिम के पिघलने से होता है। उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाओं का प्रभाव होता है और साथ ही लवणता की भिन्नता होती है। इस धारा का प्रभाव ग्रीनलैंड और आइसलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में शीतलहर और हिमपात के रूप में होता है। तीसरी जो ठंडी जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर की वह है कनारी की धारा। कनारी की धारा का विस्तार मडेरा से लेकर कैप वर्डे तक, और इसकी उत्पत्ति का कारण वाणिज्यिक हवाओं द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट से सतह के जल के हटने के कारण नीचे के ठंडे जल का ऊपर आ जाना। फिर है सहारा मरुस्थल का अफ्रीका के पश्चिमी तट तक विस्तार होना और तटवर्ती क्षेत्रों में कोहरा छाया रहना, परंतु यहाँ पर वर्षा का अभाव रहता है। दूसरा जो है वह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की धाराएं हैं। तो गर्म जल धारा में है दक्षिण विषुवतीय जलधारा। दक्षिण विषुवतीय जलधारा का विस्तार 0 से 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अंगोला तट से ब्राजील तट तक, और उत्पत्ति के कारण जो है वह है व्यापारिक हवाओं का प्रभाव और पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव और अधिक वर्षा। सेकंड है ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा का विस्तार सैन रॉक अंतरिक्ष से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, और इसकी उत्पत्ति का कारण भी घनत्व की भिन्नता और अधिक वर्षा है। इसका प्रभाव ये होता है कि ब्राजील के तटवर्ती क्षेत्र में सालों भर उच्च तापमान, गर्मी में वर्षा। और सेकंड है फॉकलैंड द्वीप के निकट फॉकलैंड जलधारा के मिलने के कारण कोहरे का निर्माण। बी है ठंडी जलधारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा में जो है वह है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा का विस्तार अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर होता है, और इसकी उत्पत्ति का कारण भी घनत्व की भिन्नता, हिम के पिघलने से स्वच्छ जल की प्राप्ति। और इसका प्रभाव ये होता है कि इस जलधारा द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र से हिम शिलाखंड अर्जेंटीना तक लाए जाते हैं। सेकंड है पैटागोनिया मरुस्थल की उत्पत्ति में भी यह सहायक है। सेकंड है बेंगुएला की धारा। इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के पश्चिम तट पर होता है। इसकी उत्पत्ति का कारण स्थलीय अवरोध, घनत्व की भिन्नता और तटवर्ती भाग में कोहरा परंतु वर्षा का प्रभाव, नामीबिया एवं कालाहारी मरुस्थल का निर्माण। तीसरी जो दक्षिणी अटलांटिक गर्म जलधारा है उसमें है पछुआ पवन। पछुआ पवन जो है सॉरी ठंडी जलधारा जो है वह है पछुआ पवन। पछुआ पवन का कारण पछुआ सॉरी पछुआ पवन प्रवाह का कारण पछुआ पवन है। तीसरा है विषुवत रेखीय प्रति विषुवतीय धारा। इसका विस्तार ब्राजील तट से गिनी तट तक उत्तरी उत्पत्ति के इसके कारण जो है वह उत्तरी और दक्षिण विषुवतीय धारा पश्चिमी भाग में जल के जमाव के फलस्वरूप ढाल और प्रवणता का बनना है। और इसका प्रभाव ये होता है कि गिनी तट पर तापमान ऊंचा रहना और वर्षा बनी रहना। तो कहने का मतलब है कि महासागरीय जलधाराओं के विश्व वितरण में जितने भी महासागर हैं उनकी ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं। आज हमने जो पढ़ा है वह है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।